ये दो एलईडी बल्ब जो है 149 रुपीस में परचेज़ किया है मैंने अमेजोन से। इसमें चार चार एलईडी बल्ब है हर एक सेट में, तो इसको आज लगाऊंगा मैं अपने ओकिनावा इलेक्ट्रिक स्कूटर में। नीचे तो उसका हेडलाइट दिया हुआ है येलो, लेकिन ऊपर में केवल इंडिकेटर लाइट है, तो वहाँ पर हम इसको फिट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ये एलईडी बल्ब है, यहाँ चार एलईडी दिख रहा है इसके अंदर में। तो सबसे पहले हेड कवर को निकाल करके मैंने इसमें दो स्पेस क्रिएट कर लिया, छेद करके कट करके उसमें से प्लास्टिक को रिमूव कर दिया है। और यहाँ पर ये दोनों लाइट यहाँ पर फिट हो जाती हैं, इसको हॉट ग्लू गन से चिपका दिया है मैंने। ये हेड कवर लगाने के बाद कुछ इस तरह का दिखता है सामने से, अंदर की तरफ रहता है इसलिए इसका चोरी होने का कोई डर नहीं है। तो अंदर कनेक्शन दे दिया है, एक बॉडी से कनेक्ट कर दिया है, एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और इसके लिए स्विच के लिए ऑन ऑफ यहाँ पर एक लगा दिया है स्विच ऑन ऑफ के लिए ऊपर में। तो चलिए इसको रात में टेस्ट कर लेते हैं ऑन ऑफ करके, देखिए ये जलाने पर ये बंद करने पर। ये येलो वाला हेडलाइट है मेन, और ये जो वाइट कलर का दिख रहा है वो है उसका जो मैंने अभी लगाया हुआ है। सामने से देखने पे इसका फ्लैश तो बहुत तेज़ दिखता है, लेकिन जब आप इसको चलाते हैं और सामने इसकी लाइट जो पड़ती है, अगर स्ट्रीट लाइट वगैरह रहती है तो उतना इसका असर नहीं दिखता है। केवल अंधेरी रात में ही, मतलब एकदम अंधेरा सामने रहे तभी इस वाइट लाइट का कुछ असर दिखता है। इसलिए इसको रिप्लेस करना पड़ेगा मुझे 9 LED बल्ब वाले बल्ब से।